हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉक थ्रू किंग में आपका स्वागत है भाई लोग। और आप देख रहे हैं पैल वर्ल्ड का 9th एपिसोड भाइयों। और इस एपिसोड में मेरे बेस के पीछे ही इन सिंडिकेट्स ने अपना बेस बना रखा और मुझे पता भी नहीं था। और अब मैं इन पर अटैक करूंगा और इन एक एक करके इन्हें मार डालूंगा भाइयों, क्योंकि ये बहुत गलत हुआ। मेरे बेस के पीछे ही इन्होंने इतना तगड़ा बेस बना रखा है, मुझे तो शर्म आनी चाहिए। मेरे पे एरो नहीं है, मुझे एरो लाने पड़ेंगे बेस से। मेरा बेस देखो भाइयों, वो रहा। और इधर लिटरली एकदम पीछे ही इनका बेस है, मुझे इसकी खबर पहली होती तो मैं इसे मार डालता। रुक जा, मेरे एरोस कहाँ हैं? मेरे एरो, सुबह जाएंगे अपन क्योंकि अभी नींद आ रही है। ऊपर वो देख रहे हो, वो वाला पंछी भी है। चल और कहाँ है भाई, ये देखो किसे कैद कर रखा है। तो वुल्फ हैं, सारे सिंडिकेट्स मर गए क्या? चलो तो हम अपने दोस्त को फ्री कर देते हैं। मेरे दोस्त, मेरे आलसी दोस्त, जा जी ले अपनी जिंदगी। वो देखो सुअर को, शर्म तो नहीं आती होगी, धब्बा है तू अपनी पूरी गैंग में। हमने फिर से एक बार सिंडिकेट्स का सफाया कर डाला। जानवर को मारता है, छोटे प्यारे जानवर को। कमांड देनी पड़ेगी मुझे इसे। हो जा, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात मेरे डियर। तो भाई हमने कर डाला, हमने उजाड़ डाला सिंडिकेट्स का एक और बेस। हम इनका नामो निशान यहां से गायब कर देंगे क्योंकि हम हैं यहाँ के ट्रू हीरो, यहाँ के विजेता। आजा, चल लड़ाई मत कर फालतू में उनसे। ओ माय गॉड, क्या जीत मिली है हमको। सर जी आप तो पहली बार देखे हैं हमने। ओए पहले तो तू
इसके लिए मैं कुछ लाया था ना, रुक जा। वो फ्रूट क्या मेरे पास रखा है? हाई क्वालिटी पैल ऑयल, हाई क्वालिटी ऑयल दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैल, नेसेसरी फ्रॉम मेकिंग पैलीमर, पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? ये देखो भाइयों, मैंने सब कुछ बना के मैं रेडी हूँ। ये देखो मेरा आर्मर, फायर बो, पॉइजन बो, आर्मर अपन पहन लेते हैं अभी। हाइड्रोजेट मुझे पता नहीं, अभी इस पे यूज करते हैं हाइड्रोजेट। हाइड्रोजेट इस पे तो मैं शायद यूज भी नहीं कर सकता हूँ बे। यू कैन स्विच स्किल्स फ्रॉम पैल स्क्रीन। ओके हाइड्रोजेट आ गया इस पे, ठीक है। सीड माइन, सीड माइन तो मेरे हिसाब से उसको देनी चाहिए। आइए दो मिनट, पहले यार अपने दोस्त से मिलवाता हूँ तुम्हें। क्या हो गया? इधर आ, ऐसे चलता है तू? हैं गोलू मोलू फंस गया था वहाँ, खाना खाएगा ले? कहाँ है वो? सीड माइन है ये यार, ये तो मैं इसको दे देता हूँ यार, ये रख देता हूँ मैं, तू आ जा यार, ये रखो यार, ये जरूरी चीज है। पत्थर हटना है ऐसे, पत्थर क्या कर रहा है यहाँ भाई? कॉइंस में ये रख दो, रो डम। और ये देखो भाइयों, मैंने ये बना ली, इसी से मैंने बनाया था वो अपने ये बो एंड एरो एंड आर्मर। इसके लिए मेरे को दो क्लोथ चाहिए, मैं ये भी बना देता हूँ। भाई कैसी आवाज है इसकी? देखो ये वाला है जो हम पे आर्मर है, ये मेडिसिन का है पर ये अभी तक खुला नहीं है। और बाकी हेलमेट वेलमेट तो यार मुझे यहाँ दिख नहीं रहे हैं अभी, ये सब तो खुला नहीं है। तो ये देख रहे हो, इसका राइडिंग सैडल बन जाएगी, तब आएगा असली मज़ा जब इसकी राइडिंग सैडल बन जाएगी। और ये मेगा शील्ड आज खुल जाएगी, खास करके ये मेगा सफर खुल जाएगा जब यहाँ। काफ़ी कुछ है भाई अभी इसमें, एग इनक्यूबेटर भी है यार, बना नहीं सकता यार, मेरे पे पॉइंट नहीं है, मुझे किसी उसको मारना पड़ेगा एशियन। किसी बड़े बॉस को बॉस फाइट लेनी पड़ेगी मुझे। ये देखो बड़ी वाली मुर्गी जो हमने पकड़ी थी, देख रहे हो ना? ऊपर ही डंजन भी है, वहां भी जाएंगे। हेलो भाई, उस डंजन में भी जाना है आज, पीछे वाले डंजन में भी चलेंगे। और सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत और स्ट्रक्चर बना लूँ, जैसे कि ये स्क्वायर टेबल,
राउंड टेबल और ये सब, पर ये बनाना क्या चाहिए? वुडन काउंटर यार, ये सब तो लेवल 14 खुल चुका है, मेगा स्टेयर भी खुल चुका है सफर, मतलब सफर वर्क बेंच, तो ये बनेगी। एंटीक स्टोरेज सेट, एक इसको ले लो, कौन लगा दो, इसको लगा दो और तू लग जा ये जरा, और एक और था ना मेरा, तू आ जा इधर, ठीक है। अब पहले तो इनका खाना फुल कर दो सबका, एक अपना, इसका 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 इसका, टोटल हो गया सबका खाना पूरा। नीचे से थोड़ा कुक फूड ले लेता हूँ, कुक फूड इनके बॉक्स में पड़ा होगा, ये रहा, ठीक है। और यहाँ से यार उठा के निकलते हैं भाई, बस हो गया मेरा, फूड भी तो बनाना है उनका। ये और ले लो, बढ़िया, मजे आ गए। अब सोच रहा हूँ वहीं से सीधा निकलूँ। ये आ गया, ये रहा वो डंजन भाइयों, देख रहे हो, सीधा निकलते हैं, एंटर डंजन। पिछली बार डंजन में काफी कुछ मिल गया था, तो होपफुली इस बार भी मिल जाए। ये तो भाई पिकाबू पिकाबू हैं, ये उठा लो, ये तो वो है ना, ये नीचे मेरे को चल यार, सवारी करा, अगर सही से लड़ना है ना तो इसे अकेले अकेले लड़ने दो, हो गए ऐसे जी। यहाँ पे भाई ये बंदे ही रहते हैं भाई, मेरी शील्ड एक मिनट में यार ये ऐसे हो जाती है शील्ड की। रुक जाओ, स्पेयर कहाँ है, क्या मैं रखा है स्पेयर, मत बोलना यार, मैं स्पेयर रखाया, एक नॉर्मल वाली यहाँ रखो, yeah!
तो ये देख रहे हो, ये मैंने इसे अपग्रेड किया था, वहाँ कुछ चमक रहा है यार। अरे ऐसी चमकता है क्या बस भाई? इसके सींग इतने बड़े हैं कि अंदर नहीं जा पाएगा, देखना। और ज़्यादा यार वो करूँगा तो ग्लिच हो जाएगा, तो इससे अच्छा तो ना ही करूँ। अभी बहुत बंदे मिलेंगे आगे, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। आइयो पहले इधर को देखे जरा, क्या पता एक ही जगह कनेक्ट हो जाए दोनों। भाई ये वाला डंजन तो बड़ा है, ये रे बंदे सिंडिकेट्स। पता नहीं भाई ये तो क्यों ही है, इनका तो भुर्ता बनता है ना। जो चलो आगे चलो भाई, मैं तो आगे देखना क्या है। सब में ऐसे रास्ते बने रहते हैं क्या? और फिर आखिरी में चेस्ट होती है बॉस फाइट के साथ, थोड़ी छोटी सी बॉस फाइट है। यहाँ पे ये है हो जा। इन्हें तो मार दे, अब भुर्ता बना देंगे मेरा। ओ भाई भाई सच में काफी गंदा डैमेज दे गया है वाला। ये देख रहे हो आखिर में तो चेस्ट रहती है, एशियन टेक्नोलॉजी मैनुअल मिलते हैं यहाँ पे, रूबी दो मिल गए, पर मुझे अभी तक नहीं पता कि भाई है यही एक एंड ऑफ द डंजन होता है क्या, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ। निकलते हैं फिर यहाँ से, दूसरी वाली में मैं ढंग से चेक करूंगा या फिर, क्योंकि यार हर जगह ना कुछ मिलता भी तो नहीं है वहाँ। आई थिंक एक इसी मेन चीज के लिए बनता है यार ये तो। एक ये वाली डंजन हो गई पूरी, वो मेगा स्पेयर में जाके फंसा था देखा। ऐसी मैं बड़े वाले को और कर सकता हूँ, बट डंजन मिल जाए और ज्यादा।
लेवल का है ये। अभी जरूरत तो नहीं है यार। ये मैं रेड एरिया आ गया हूँ। ये मत उठाओ भाई, या तो सीधा सेफर उठा लो यार, ये मत उठाओ। निकल यहाँ से। क्या हाल बेटे? ये मैं कौन सा एरिया में आ गया भाई? हाँ मुझे कुछ मिलेगा अभी। यहाँ से खुल जा रहा है, चलते हैं आगे देखते हैं भाई क्या है। बड़ी छोटी जगह यार, छोटी जगह जिंदगी नू खुल के जीवांगे। फैलसो, अबे ये कौन सा है? अबे भाई खिद का सा और 16 लेवल है इसका। पिदिके पिदिके थे भाई। तो ये यहाँ का रखवाला है। क्यों? अरे हम तो लड़ना ही नहीं चाहते। भाई मुझे दूर रहना पड़ेगा। अरे भाई नहीं 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 नहीं,
आगे से कैप्चर कर। हल भाई हो जा। नाइस भाई, यहाँ पे क्या डेंजरस वाले हैं यार ये भाई। वो उसने अटैक करने लग गया था भाई, वो बिना कुछ उसके भाई वो अटैक करने लग गया था मेरे पे, मुझे ना फॉक्स को इस्तेमाल करना चाहिए। इतना फ्लेम मारूंगा उसकी टाट पे कि भाई फ्लेम से ही मर जाएगी। भया कहाँ, वो पता भी तो नहीं अब भया कहाँ होगा यार। वो ये तो सो रहे हैं, खैर इधर आसपास ही होगा भाई, वो बॉस है ना वो रहा। अरे यार ये फुल्ली हील हो गया है। चल चल भाई, बहुत डैमेज है। नहीं मेरे पे अटैक करे जा रही है वो। भाई मेरे वार उस पर कुछ भी नहीं है। नहीं आई 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 मेरे पास आई। नो 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 भाई, भुरता बना दिया भाई उसने। एचपी की देखो क्या ऐसी तैसी करी है उसने। अरे हाँ मेरे पे कोई हीलिंग पोशन टाइप कुछ नहीं है। ब्रो मैं अभी तो नहीं भिड़ सकता उससे यार। भाई मेरे सारे एरो गए, देख रहे हो फ्लेम एरो तो कब के जा चुके हैं मेरे।
पॉइजन एरोस 5 बचे हैं। वो क्या चीज है यार? यार मुझे लगता नहीं मैं उससे भिड़ पाऊंगा। वो बहुत ज्यादा, तो भाइयों मैं उससे भिड़ पाऊंगा या नहीं ये आपको जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में, क्योंकि हमने उससे पंगा तो ले लिया है पर अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। उसे डैमेज दिया यार लेकिन वो फिर हील हो जाएगा, तो ये आपको जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में कि मैं उसे मार पाता हूँ या नहीं और मैं उसे कैप्चर कर पाता हूँ या नहीं। भाइयों बाय बाय।